इस प्रदेश के अंदर 23 लाख हमारे विद्यालय शिक्षा में बच्चे हैं और एनसीईआरटी विषय एक अपने आप में बहुत बड़ा इस प्रदेश के लिए बच्चों के लिए सौगात है और बहुत बड़ा मन लेके हमारी गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी लागू की। लेकिन अगले वर्ष किताबें समय पर बच्चों को मिले, सुविधाजनक मिले, इसके लिए विशेष आज बैठक बुलाई गई और विषय की गंभीरता को देखते हुए किताबें कैसे छपेंगी, इसको एनसीईआरटी दिल्ली मूल संस्थान उपलब्ध कराएगी या किसी वेंडर से लिया जाएगा, ये अभी तय नहीं हो पाया था। तो इसमें अधिकारियों को एक विशेष निर्देश है कि एक सप्ताह के अंदर किताबें कैसे आएंगी, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। हर कीमत पे किताबों का 100% समय पे आएं, अच्छी गुणवत्ता की किताबें आएं, कौन देगा एक सप्ताह के अंदर तय होना चाहिए, एक विषय। दूसरा, जो खेल महाकुंभ, इसे प्रदेश के अंदर युवा कल्याण और खेल में एक अपने आप में बहुत बड़ा लाभकारी और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म मिला, तो उसमें जो बच्चे पिछली बार खेल महाकुंभ में विजयी हुए उनके लिए प्लेटफॉर्म हमको देना था जो थोड़ा सा लेट हो गया, वो कहीं ना कहीं मैं अपने विभाग की या मैं अपनी विफलता मानता हूँ। लेकिन जो बच्चे चयनित होते हैं, बड़े उम्मीद से आगे बढ़ते हैं, उनको हमको अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहिए। और खेल महाकुंभ योजना थोड़ी लेट हुई, इनके लिए भी मैंने अपने समस्त बड़े से छोटे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर जो एक सप्ताह के अंदर परिणाम नहीं दिखेगा तो मैं तुम लोगों को सस्पेंड करने की संस्तुति करूँगा। देखिए, इस साल नया सिलेबस आएगा और जो इस साल सिलेबस छपेगा वो कम से कम आगामी 8 वर्षों तक लगातार चलेगा, तो हमारे बुक बैंक भी जब ही सफल हो पाएगा। तो इसीलिए अगले सत्र में बच्चों को सही समय पर किताबें मिले, इस नाते उसकी चिंता पहले हो जानी चाहिए थी, जो थोड़ा सा लेट हुए हैं, लेकिन इतना लेट नहीं हुए ताकि हमारी योजना विफल हो और बच्चों को भटकना पड़े, ये नौबत नहीं आएगी। कई विषय कहना ठीक नहीं है, उद्देश्य एक ही है कि जो लेट हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाए। और हमने ये भी कोशिश की है कि पिछली बार खेल महाकुंभ का बजट था 7 करोड़ रुपया, जिसमें बच्चों को जो प्राइज हमने देना था वो बहुत कम मात्रा में, बच्चों को जो राशि दी गई थी उसकी मात्रा बहुत कम थी। हमारी कोशिश है कि उस मात्रा को दुगना बढ़ाया जाए और बच्चों को अच्छी पुरस्कार राशि दी जाए। इस नाते हमने 7 करोड़ की जगह इसको 12 या 14 करोड़ रुपये करने का प्राविधान है। इसके लिए हमने चीफ सेक्रेटरी को बैठक में बुलाया और उनको हमने इसका निर्देश दिया। जो बच्चे चयनित हुए उनको अच्छा, हमको जिस उद्देश्य से हमने कहा था प्लेटफॉर्म देना वो भी, और खेल महाकुंभ में समय पे ना चालू होना एक अपने आप में ये भी बहुत बड़ा गंभीरता है। जो भी कारण हो, जब जगह तभी सभेगा, अब अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर पूरे कार्यप्रगत जारी होना चाहिए और खेल महाकुंभ विधिवत कराए जाने चाहिए।